मेरी मम्मी जी मेरा अच्छी लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कमेंट कीजिए। ये बेल फ्रूट है जो कि गर्मी में मिलता है और ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। और ये टूट गया है और अब इसे चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे, स्क्रैच कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छा निकला है, बहुत मीठा है। ये बिना चीनी के साथ भी बनाया जा सकता है और चीनी के साथ भी, लेकिन बच्चे घर में होते हैं तो चीनी के साथ ही बच्चे पीते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज़ कैंसर के पेशेंट हैं जो नहीं लेते हैं चीनी तो बिना इसके भी पी सकते हैं। और ये हाफ़ स्क्रैच हो गया है, अगर हाफ़ बनाना हो तो हाफ़ को फ्रिज में रखा जा सकता है, बाद में यूज़ किया जा सकता है। मैंने पूरा ही बना लिया है और ये तकरीबन 6 ग्लास बनेगा और इसमें मैंने पानी डाल लिया है। पानी ज़रूरत के हिसाब से डाल लेंगे, जैसा पतला मोटा पसंद है। और इसको अच्छे से मैश कर लिया है और इसको 10-15 मिनट में भिगो के रख दूंगी, जिससे अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। चीनी को भी इसी वक्त डाल देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी लोग चीनी वाला ही पियेंगे, वरना चीनी पिसा हुआ ग्लास में डाला जा सकता है। तो अब मैं इसमें 12 चम्मच चीनी डाल दे रही हूँ, 6 ग्लास बनेगा तकरीबन, तो 2-2 चम्मच हर एक ग्लास के लिए। और ये 12 चम्मच चीनी हो गया है और अब इसे मैं ढक के रख दे रही हूँ। और अब 15-20 मिनट हो गया है तो अब इसे मैं वापस से एक बार मैश कर ले रही हूँ, जिससे चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए। और अब इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और अच्छे से इसे चम्मच से निकाल लेंगे इसका जूस, और इसमें पानी बाद में डाल देंगे। ये देखिए मैं चम्मच से कर रही हूँ, जूस निकल गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसमें पानी देंगे, थोड़ी सी चीनी रह गई थी तो मैं इसे हाथ से हिला के मिक्स कर ले रही हूँ। मान्या भी आ गई है। बस 5 मिनट में बन रहा है मान्या। मैं तो ना मम्मी मैं तो वो वाला ग्लास लेना। ओके ओके ओके, अच्छे से छान लेंगे जिससे एकदम वेस्टेज नहीं हो। इसका जूस पूरा अच्छे तरीके से मैं निकाल ले रही हूँ और फिर पानी डाल दे रहे हैं। पतला मोटा ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालेंगे। और वापस से इसे चम्मच से मैं निकाल ले रही हूँ जूस। इसमें नमक काली मिर्च अपने मर्जी है, डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें काला नमक और काली मिर्च दिया है, ये खाली चीनी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी मान्या ने टेस्ट किया और अब इसे ग्लास में सर्व कर ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा जूस लग रहा है, तो आप भी बनाइए जूस। और अब मैं इसे मान्या को दे रही हूँ, देखते हैं मान्या क्या बोलती है पीने के बाद। मेरी मम्मी जी मेरा अच्छी लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कमेंट कीजिए, तब तक के लिए बाय। मान्या कैसा है?